धोखेबाज भेड़िया। बहुत साल हुए एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल छोड़ शहर की ओर निकल पड़ा। कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और कुत्तों ने उसे खूब चकाया। अपनी जान बचाने के लिए वह एक दीवार से दूसरी ओर कूद गया। वह घर किसी रंगसास का था। वह धड़ाम से एक नीले रंग के पानी के टब में आ गिरा। वह रंग रंगसाज ने कपड़ों का नीला रंग देने के लिए पानी में घोल रखा था। सारी रात वह उसी टब में पड़ा रहा। सुबह जब वह टब से निकला, वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। कुत्ते क्योंकि वहां से लौट चुके थे, उसने भी वापस जंगल पहुंचने में ही अपनी खैर मनाई। जब वह एक दरिया के पास पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल नीला हो गया था। उसने सोचा, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसने सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, मुझे तुम्हारे पास परमात्मा ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। आज से तुम सबको मेरे हुक्म को अपना फर्ज समझते हुए पूरा करना होगा। जिसने जरा सी भी कोताही की, उसे मैं जान से मार दूंगा। सभी जानवर घबरा गए। उसका रंग विचित्र था। ना जाने परमात्मा ने उसे कितनी ताकत देकर भेजा है। उन सभी ने, यहाँ तक कि शेर और चीते ने भी उसे अपना राजा मानने में ही अपनी भलाई समझी। सभी उसकी आज्ञा मानने लगे। परंतु कहते हैं ना, 100 दिन चोर के एक दिन सात का। हुआ यूं कि एक दिन उसने बहुत से भेड़ियों की आवाज सुनी। वह अपने आप को रोक ना पाया और वह भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, क्योंकि पुरानी आदतें और स्वभाव जल्दी कहां छूटते हैं। जब शेर और चीते ने उसकी आवाज सुनी तो वह झट से समझ गए कि यह कोई परमात्मा का भेजा हुआ राजा नहीं, बल्कि धूर्त भेड़िया है। शेर ने उस पर हमला कर दिया और वहीं उसका काम तमाम हो गया। अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि धोखा करने वाला एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।